वाला हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मोहर पर आए और हमारी गरीब लोगों की जो है बातें सुनी। मसला ये है कि हमारे यहाँ मोहर में जो रेट जो है वो हर चीज़ का, चाहे किराना हो, चाहे यहाँ के मीट शॉप हो या सब्जियाँ हो, तो बार बार जो है रेट जो है वो बिल्कुल आसमान की तरफ छू रहा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से जब मैंने सुबह एसडीएम सर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप एक दो दिन में रुक जाओ, आपका जो मसला है यहाँ मोहर मार्केट की हम चेकिंग करेंगे। हमारे एसएचओ साहब इस चीज़ में बहुत एक्टिव हैं और वो थोड़े से बिजी हैं एक दो दिन, तो हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे अवैध कब्जे जो हैं पहले हटाए गए थे और वही अवैध कब्जे आज फिर से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मार्केट में कैमरा लगाएं जहां पर रेड़ियां यहां से हटाई गई थी, जिन लोगों ने गलत कब्जे किए हुए थे, रोड में बिल्कुल रेड़ियां लाई हुई, रेड़ियां जो है किस तरीके से फिर से लगाई गई है। लेकिन ये कारण ये हुआ कि जब थोड़ा सा इलेक्शन आया तो इलेक्शन दौरान में यहां के जो लोग हैं जो यहां पर गलत कब्जे करते हैं तो उन्होंने देखा कि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन शायद सो गई, तो यहां देखी उन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेशन यहां की खामोश हो गई। लेकिन मैं तो यहां एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो अच्छे तरीके से यहां काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा जिन लोगों ने यहां पर गलत कब्जे किए हैं, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन सोई नहीं थी, वो थोड़े से इलेक्शन में बिजी थे। अब मैं जब सुबह यहां एसडीएम सर के पास गया, उसने कहा बेटा हम थोड़े से दो तीन दिन बिजी थे, तो बिजी होने के कारण इन लोगों ने फिर से वही कब्जा स्टार्ट कर दिए हैं, हम एक दो दिन में जाएंगे। और जिन्होंने गलत कब्जे, गलत रेड़ियां, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड़ियां रोड में लाई हुई, आगे गाड़ियों को प्रॉब्लम चलने में, लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। यहां छोटी सी मार्केट है, यहां से मुश्किल से मतलब हद करके अगर देखा जाए तो यहां बिल्कुल एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पास होती है, एक दो गाड़ियां। तो यहां पर लोगों ने क्या किया है कि गलत कब्जे करके रखे हैं। अब मार्केट में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां कभी उधर रेड़ी आपको दिखने को मिलेगी, कभी उधर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है कि मार्केट में जो है काफी लोगों को चलने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है। तो अब हमने जो अब दूसरी बात हमने, मैं आपको बता दूं रेट की बात, तो रेट जो है यहां बिल्कुल हाईफाई रेट है। यहां हर चीज सब्जी जो महंगी सी महंगी, जो सब्जी मंडी से 5 रुपए किलो आती है और वही सब्जी यहाँ 50 और 60 रुपए किलो बेची जाती है। लेकिन ये एक नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग, गरीब लोगों का, ये माह रमजान का महीना है, इसमें गरीब लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं ये। लेकिन मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज एक बार मार्केट में आइए और देखिए कि किस तरीके से इन लोगों के रेट जो है वो किस तरह से है। हमें हमारे टीएसओ सर जो यहाँ मुर्गों का रेट करते हैं, उन्होंने इन लोगों को 150 रुपए जिंदा मुर्गा, इनका कहना है कि जिंदा मुर्गे का रेट जो है हमें 150 रुपए दिया गया है और मुर्गे के मीट का 240 रुपए दिया गया है। लेकिन इस तरह से इतनी महंगाई क्यों हो रही है यहाँ मोहर में? क्या यहाँ मोहर के लोग ही क्या ज्यादा यहाँ पर पैसा कमाते हैं? यहाँ मोहर के गरीब की आवाम क्या ज्यादा पैसा कमाती है? इतनी महंगाई हमें दूर कहीं को क्यों नहीं मिल रही है? कल रात की बात है, मैं जम्मू से आया, मैंने वहां भी रेट्स पूछे हर चीज के, मुर्गे का, सब्जी का, लेकिन वहां तो इतने हाईफाई रेट नहीं बताए जा रहे हैं जितने रेट यहाँ हाईफाई बताए जा रहे हैं। यहाँ गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ पसमिंदा इलाका है। तो यह मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज आप आइए। उन्होंने कहा भी हम परसों आते हैं, हम देखते हैं एक दो दिन में कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर, हमारे हमने जो मुद्दा उठाया क्या इस बात पर वो एक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत।